बार फिर से स्वागत है दोस्तों, विवेक गुप्ता का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हमारा ये चौथा एपिसोड आप सबके लिए। पिछले तीन एपिसोड से हम एक विषय पर चर्चा करते चले आ रहे हैं, जो इस बात के लिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हम बढ़ा सकें कि हमें सामने वाले से हाँ मिले। आज हम अपने चौथे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम पर पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। वो चौथा पॉइंट है संबंधों को अच्छे तरीके से बनाना, संबंध बनाने को सीखना और कैसे हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दूसरे व्यक्ति के साथ बनाएं, जिससे कि हम हाँ पा सकें, हाँ को पाने के चांसेस को बढ़ा सकें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप संबंध बनाने में पीछे रह जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके ना का कारण आपका संबंध है जो किसी के साथ ठीक से डेवलप नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है कि आपका संबंध आपके मित्र के साथ, आपके परिवार के साथ कहीं ना कहीं हल्का रह जाता है, कहीं ना कहीं वीक रह जाता है, जिसकी वजह से आपको ना सुननी पड़ जाती है? क्या आपको लगता है जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं या अपने बॉस के पास जाते हैं या कुछ सेल्स प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, वहां आप ठीक से संबंध नहीं बना पा रहे हैं? इसके लिए दोस्तों हम समझेंगे अपना चौथा पॉइंट, हाउ टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पर्सन, कैसे हम दूसरों के साथ अपना संबंध अच्छे से पॉजिटिव तरीके से बनाएं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि ये समझते हैं कि कैसे हम एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप सामने वाले के साथ डेवलप करें। अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए हमें पांच बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पांच इन बातों को हम इस्तेमाल कर एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। पहली बात है मैच, मिलान, दूसरे व्यक्ति की शब्दों को और जहां वो रुकते हैं उन चीजों को अपने शब्द और अपने रुकने से मिलाना, उनको ध्यान से सुने। इसके लिए दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, केवल सुनना ही नहीं, ध्यान से सुनना जरूरी है कि आप सामने वाले को पूरे अटेंशन से, पूरे ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, कितना कहते हैं, कहां रुकते हैं, उसको मैच करना जरूरी है। दूसरी बात, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ बिल्कुल ऐसा महसूस करें, उनको लगे कि उनके सामने उनका मिरर है। अगर कोई ऐसे बैठा है तो आप भी कोशिश करें, बिल्कुल नकल ना करें, ऐसे बैठने की कोशिश करें या ऐसे बैठने की कोशिश करें, कुछ उसके साथ मिरर इमेज क्रिएट होनी चाहिए। उनकी गर्दन अगर ऐसे झुकती है तो अपनी गर्दन ऐसे झुकाएं, क्योंकि मिरर में जब हम गर्दन ऐसे झुकाते हैं तो असली में गर्दन ऐसे झुकी होती है। मिरर इमेज क्रिएट करने की कोशिश करें और मैच करने की कोशिश करें उनके बॉडी पोस्चर को, अपने बॉडी पोस्चर को। ये मिरर इमेज हो गई। उसके बाद आप एक तोते की तरह कोशिश करें, तोता किस तरीके से आपके कहे हुए शब्दों को रिपीट करता है, आप देखें कि ध्यान से सुने आपके सामने वाला व्यक्ति किन फ्रेजेस का, किन शब्दों का, किन बातों का प्रयोग कर रहा है, उन्हीं शब्दों को, फ्रेजेस को आप रिपीट करें अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बोलें, अपनी तरफ से मैच कर दें उन्हीं शब्दों को और रिपीट करते रहें। पैरट करने के बाद, शब्दों को बोलने के साथ साथ आप सामने वाले व्यक्ति के पेस को भी समझें कि वो कितनी स्पीड से बोल रहे हैं, कितनी गहराई से बोल रहे हैं, क्या उनके बोलने का तरीका है, क्या वो जल्दी जल्दी बोलते हैं या वो धीरे धीरे बोलते हैं, उस पेस को पकड़ने की कोशिश करें और आप भी उसी पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसी पेस में उनसे बात करने की कोशिश करें। इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हो दोस्तों कि आप उनकी टोन को पकड़ने की कोशिश करें। जैसे मेरे बोलने की टोन अलग है, पंजाबी में बोलने की टोन अलग है और बंगाला में बोलने की, बंगाल में बोलने की टोन अलग है। ये सब अलग अलग टोन है, इन तीनों टोन को समझें और पकड़ने की कोशिश करें, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति और प्रभावित हो जाएगा। जैसे ही आप ये चार काम करोगे, आप उनके साथ मैच करोगे, कहाँ वो बोल रहे हैं, कब रुक रहे हैं, आप उनकी इमेज को मिरर करना शुरू करोगे, आप उनके शब्दों को, फ्रेजेस को रिपीट करना शुरू करोगे, आप उनके टोन का उसमें बोलना शुरू करोगे, उनके पेस में बोलना शुरू करोगे, धीरे से आप लीड भी करना शुरू कर दोगे, आप अपनी बात भी कहना शुरू कर दें और उनसे बोलना शुरू कर दें,
अपनी बातों को भी धीरे धीरे उसके अंदर जोड़ना शुरू कर दें। आप पाएंगे ये पांच चीजें करते करते धीरे से आपने अपनी बात भी कह दी और अपनी बात को मनवाने का, अपनी बात पे हाँ पाने का आपने चांसेस को ज्यादा बढ़ा लिया। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से आपको और थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण है एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस सेल करने जा रहा है। दोस्तों, इंश्योरेंस सबसे मुश्किल प्रोडक्ट है बेचना। एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस सेल करने जा रहा है उसके लिए ये कैसे काम आ सकता है? दोस्तों, आप इसको उदाहरण को बहुत ध्यान से देखिए कि जैसे ही मान लीजिए मैं इंश्योरेंस सेल करने गया हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं। अब मैंने आपको अपने बारे में बताया कि सर मेरा नाम विवेक गुप्ता है और मैं पिछले 25 साल से कई किस्म के इंश्योरेंस बेच रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि आपकी क्या आवश्यकता है। बस अब मैं चुप हो गया, अब आपके बोलने की बारी है। मैं ध्यान से आपको सुन रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आपके आपके जो वर्बल एक्सप्रेशंस हैं और आप कहां रुक रहे हो उसको मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं। साथ में आप जिस पोस्चर में बैठे हो, आप ऐसे बैठे हुए हो, मैं भी थोड़ा सा ऐसे करके बैठ गया तो मेरा और आपका मिरर इमेज क्रिएट हो गया। आपने थोड़ा सा ऐसे करके सर खुजाया, मैंने भी थोड़ा सा ऐसे करके सर खुजाया, धीरे धीरे हम दोनों के मिरर इमेज आपस में मैच करना शुरू हो गए। साथ में जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, मैंने आपके फ्रेजेस को पकड़ना शुरू कर दिया। आपने बोलना शुरू किया, आपने बोला कि यार इंश्योरेंस तो बहुत सारे खरीदे हुए हैं और अब जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या करना है इतने इंश्योरेंस का। मेरा जवाब क्या आया? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हाँ जैसे मैंने पहले बताया था, यस एंड हाँ और मैंने इस्तेमाल किया। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक और बात समझ लीजिए कि आपके पास इंश्योरेंस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बहुत सारे आपने इंश्योरेंस खरीदे हुए, क्या आपने ये वाला इंश्योरेंस खरीदा हुआ है? मेरा सवाल आपके पास जाते ही आपके दिमाग में सीधा सिंक कर गया। ये मैंने आपका फ्रेज पकड़ा, फ्रेज पकड़ पकड़ के मैंने आपके फ्रेजों को रिपीट किया और अपनी बात को कह दिया। फिर साथ में अब मैं देख रहा हूं कि आप किस टोन में बात कर रहे हो। मैंने देखा आप एक साधारण टोन में बहुत आराम से एक आसान भाषा में बात कर रहे हो, तो मैं आसान भाषा में बात करूंगा। अब मैंने हुन लग गया कि तुसी पंजाबी हो, तो मैं पंजाबी से बदल गया, मैं हुन पंजाबी से बोलूंगा, जब पंजाबी से गल करांगा तो टोन भी मेरी पंजाबी हो जाने। मैं कहा सर तुसी देखो ये प्रोडक्ट तुहाडे लई बहुत चंगा रहना। अब आपके पास और ज्यादा इंप्रेशन आ गया, आपकी टोन से मेरी टोन भी मिल गई। जैसे ही मैंने आपको मैच किया, आपके शब्दों को, आपके पॉजेस को मैंने मिरर किया, आपके बॉडी पोस्चर्स को आपके साथ हिलना जुलना शुरू किया जैसे आप हिल रहे हो, जैसे ही मैंने आपके शब्दों को रिपीट करना शुरू किया जैसे एक तोता कर देता है उसमें कुछ अपने शब्द मिलाकर, और मैंने आपके टोन को भी पकड़ लिया कि आप किस टोन में बात करते हो, धीरे बोल रहे हो, जल्दी जल्दी बोल रहे हो, आराम से बोल रहे हो, गहरे बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो। हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मुझे हर किसी को हर भाषा आती हो, जैसे मेरे को दो एक भाषा ज़्यादा आती है, लेकिन हम टोन तो फिर भी मिला सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं कि वो जल्दी बोल रहा है कि धीरे बोल रहा है, उससे हम मैच कर सकते हैं। और साथ में हमने लीड करना शुरू कर दिया, अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बताना शुरू कर दिया। इससे मेरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बेचने के चांसेस धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगे। आपने मुझे बताया कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे इंश्योरेंस हैं, मैंने आपको साथ में जोड़ दिया क्या आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है। आपके साथ भावनाएं जोड़ दी कि मेडिक्लेम पॉलिसी आपके किसी भी बुरे वक्त पे काम आ सकती है। बुरा वक्त एक भावनात्मक बात है जो कि हमेशा आपके साथ जुड़ा होता है। इसी तरीके से मैंने मैच, मिरर, पैरट, पेस करके लीड करा और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हाँ लेने के लिए पूरी की पूरी कोशिश और चांसेस को बढ़ा लिया। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हम इन पीछे की तीनों एपिसोड की और ये वाली बात को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बना सकते हैं कि हमें हाँ मिले, चाहे वो हमारे क्लाइंट हो, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे दोस्त हों। दोस्तों, कोशिश करोगे तो भगवान भी आपकी बात को हाँ करेगा। ये सब बातें मिलाने से ही आप हाँ को पा सकते हैं। और दोस्तों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई
जो कि पांचवा नियम है हमारे को हाँ पाने के लिए, ज्यादा ज्यादा हाँ पाने के चांसेस बढ़ाने के लिए, वो पांचवा नियम है प्लान बी। क्या हमारे पास अल्टरनेट प्लान है दोस्तों? इसी बात का जवाब हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप मुझे लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडीज नीचे चल रहे हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपने किसी भी सवाल किसी बात को आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी संस्था का नाम है द निदान, मेरा नाम है विवेक गुप्ता पंचतत्वा। आपके सभी सवाल, आपकी सही बातें, मैं बहुत अच्छे से उनका स्वागत करता हूं और सबका कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको जवाब दे सकूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।